क्या कहते हैं, शुरू में जब लोग मतलब आए थे और जो इंसान आए और उनने एक दूसरे से बोलना शुरू किया, तो एक दूसरे को समझा नहीं सकते जी क्योंकि उनकी कोई लैंग्वेज नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उन्होंने लकीरों के ज़रिए दूसरों को समझाना शुरू किया। जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ वो दीवारों पर बना देते थे, जिससे अगले को यह फील होता था कि ये कुछ ये चीज़ कह रहा है, जी सर ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज लफ्ज़ बनने शुरू हुए, फिर हरूफ बने और फिर लैंग्वेजेस बनी। इस तरह से ये एक पूरी मतलब हिस्ट्री है। इसी तरह से जब वो पिक्चर्स जो हुआ करती थी, तो उन पिक्चर्स को उन्होंने जब देखा और फिर जो पहले वो एक पिक्चर्स अंदाजे से बनाते थे, फिर उनको उन्होंने उसको डिटेल देना शुरू की, स्टेप बाई स्टेप वो पिक्चर होती थी। स्टेप वो डिटेल देना शुरू की। जब डिटेल देने के बाद फिर वो बाज़ दफ़ा ऐसी भी मतलब वो कोई समझाना होता था कि फ़र्ज़ करें वो बताते थे कि ये पत्थर जो वो गिर रहा है, तो उस पत्थर को बनाया उन्होंने और आहिस्ता आहिस्ता उनको 6-7 बना दिए, जिससे पता चला ये अच्छा है पत्थर गिर रहा है, चलो वो साइड में हो जाएगा, वो पत्थर गिर रहा है। जी हाँ तो इस टाइप की एनिमेशन तो उस वक्त से ही आ गई थी, मगर उसके बाद जब उन्होंने ऑब्जेक्ट को सही तरह से बनाना शुरू किया, फिर आर्ट का एक एलिमेंट शामिल हुआ, आर्ट का एक नाम स्टार्ट हुआ और उस आर्ट के हवाले से उन्होंने पिक्चर्स वगैरह बनाना शुरू की। और फिर करते करते स्टिल इमेजेस तो बन जाते थे जी सर, मगर उसके बाद फिर उन्हें ये फील हुआ कि अभी ये इमेजेस तो बन रहे हैं, अब इनको एनिमेट भी किया जाए कि ये भी ऐसे लगें जैसे हम आम रूटीन में एक आँख देखती है, एक बंदा जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर एक बंदे की तस्वीर बनाई है तो वो भी किसी तरह से मूव करें। तो उसकी मूवमेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि हर स्टेप पर एक पिक्चर को थोड़ा बहुत चेंज किया, ठीक है। कैसे, फ़र्ज़ करें यहाँ पर उन्होंने एक बंदा बनाया, वो यूँ खड़ा हुआ है, ठीक है। अगले में उन्होंने एक बंदा बनाया और उसके हाथ जो है ना वो यूँ हो गए। अगले में बनाया उसमें उसने यूँ किया यूं। तो इस तरह से हर स्टेप पे उन्होंने जो तस्वीर थी उसको चेंज किया। चेंज किया जी सर। जब वो चेंज किया उसके बाद एक ख़ास रफ्तार से वो उसके सामने से गुजरते थे। अगर एक ख़ास रफ्तार से हमारी आइज़ के सामने से कोई इमेजेस गुजरें तो हमें फील होता है कि ये एनिमेट हो रहे हैं, एनिमेशन हो रही है। अब वो ख़ास मिकदार क्या है और वो इमेज जो है वो इमेज क्या है, वो इमेज एक फ्रेम है। कंसिडर करें कि एक इमेज जो है वो एक फ्रेम है, ठीक है। और अगर ये 25 फ्रेम पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर अगर हमारे सामने से 25 फ्रेम गुजरेंगे तो हमें ये फील होगा कि रियल एनिमेशन हो रही है, ठीक है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकेंड इक्वल टू 25 फ्रेम। तो जब हम रियल या अपना मैक्स के अंदर या किसी भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एनिमेशन करते हैं तो हम उसको 25 फ्रेम्स पर सेकेंड के हिसाब से बताते हैं, इस हिसाब से इस एनिमेशन को करें। जी सर। अब अगर फ़र्ज़ करें मुझे 5 सेकेंड की एनिमेशन करनी है तो उसके लिए मुझे कितने फ्रेम्स रिक्वायर्ड होंगे? तो 125 फ्रेम्स, ठीक है, 8 के लिए 125 5। अच्छा, अगर मुझे 30 सेकेंड मीन आधा मिनट के लिए एनिमेशन करनी है तो मुझे कितने चाहिए होंगे? 12.5 12 या 13 आधा 30 सेकेंड। ये हो जाएंगे सात सौ पचास फ्रेम, ठीक है। उसके बाद 30 सेकेंड, अगर एक मिनट की करनी हो, एक मिनट आपको पता है वो 60 सेकेंड होता है, ठीक है, तो वो 1500 फ्रेम्स पर मिनट, पर मिनट हो जाएंगे, 1500 फ्रेम्स पर मिनट हो जाएंगे। मीन एक मिनट मिनट के अंदर मुझे 1500 फ्रेम्स चाहिए, 1500 फ्रेम्स के अंदर मैं एनिमेशन करूँगा तो मुझे एक मिनट की मूवी बनेगी। जी सर। अब पहले आप क्या कहते हैं, अगर कार्टून्स देखते हो तो टॉम एंड जेरी के एग्जांपल है, टॉम एंड जेरी 2D कार्टून्स हैं। पहले जो 2D कार्टून्स बना करते थे वो किस तरह से बना करते थे कि जो आर्टिस्ट होते थे वो बैठ कर 1500 तस्वीरें बनाते थे और वो 1500 तस्वीरें एक मिनट के कार्टून के लिए होती थी। और उसके बाद वो क्या करते थे कि उनको साथ साथ जोड़ देते थे,
नहीं नहीं खुद बनाते थे, ड्राइंग करते थे, उसको आर्टिस्ट बैठे नहीं नहीं हाथ से हैंड स्केचिंग हाथ से बनाकर उसके बाद वो इमेजेस को आपस में जोड़ देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, एक फ्रेम बना लेते थे इतना सा कि टेलीविजन जितना था, उसके बाद उसके अंदर वो रख के उसको जब खींचते थे तो वो जब गुजरता था तो फील होता था कि ये एनिमेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसके अलग अलग हर स्टेप अलग अलग होता है, जब वो स्पीड से गुजरेगा तो वो ऐसे लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। इस तरह सिनेमा घर में वो चलती है और बाद वो ट्रॉफी में भी उसका जो फ्रेम जो भी होती है वो काम। अब मैं उसकी आपको मजीद थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल देता हूँ। अच्छा वो तो हो गया इस तरह से जी, ठीक है। फ्रेम उसके आगे से गुजरते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, मुझे इससे कोई वो नहीं है, इससे हट के मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं तकरीबन मेरे ख्याल से सेवन्थ एट्थ क्लास में होता था तो मेरे पास एक बुक थी जिसके अंदर साइंस के डिफरेंट जो है ना तजर्बात वगैरह होते थे, तो मैं वो तजर्बात वगैरह क्या करता था, कोई केमिकल लेकर वो एक बुक्स मिला करती थी उससे, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट था कि आप डिफरेंट किस्म की ड्राइंग बना के ना फर्ज करें एक एक आप काना ले लें जी सर, काना होता है ना जी, वो लेकर आप फ्रेम बना लें इतना बड़ा, ठीक है, इसको हाफ पर डिवाइड कर दें, इधर एक इमेज बनाएं, एक इधर इमेज बनाएं, इस तरह से आप इस तरह के पांच या छह लेकर उनको डिफरेंट पोजीशन में रखें जी सर। जैसे यहाँ पर अगर मैं बॉल मूवमेंट कर रहा हूँ, एक बॉल यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं उसको यहाँ रखूँ, अगले में मैं उसको यहाँ कर दूँ, फिर ये करते करते इसको बना दूँ, फिर उसके बाद उस काने के अंदर यूं 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 करके रखते हैं, ठीक है ना। वो करने के बाद फिर उस काने को मैं यूं मूव करता था ना, तो वो जब रिवॉल्व होता था तो मुझे ऐसा लगता था एनिमेट हो रहा है, एनिमेट हो रहा है। अब शायद आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप वो तजर्बा करें, मगर एनिमेशन की मुझे उस वक्त सही समझ आई थी, उस वक्त जब मैं फिर सिक्स सेवन्थ में होगा शायद, तो एनिमेशन ये चीज़ है। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा सा लेटेस्ट दौर आया तो फिर कैमरा स्टार्ट होना शुरू हो गया, और शुरू में कैमराज जो होते थे वो कैप्चर कैमराज होते थे, इमेज कैमराज होते थे। उसके बाद फिर जब वो उन्होंने कहा कि यार ये कैमराज तो आ गए हैं, अब किसी तरह से मूवी इसकी बनाई जाए, तो उन्होंने कैमरे के अंदर एक फंक्शन आया वो 3 shot, 5 shot, 9 shot का जी सर। उसके अंदर क्या होता था कि वो 9 shots एकदम फंक्शन, 9 foreign शटर स्पीड जो होती थी ना वो यूं यूं होकर 9 तस्वीरें उसने 9 frames। जैसे सर मोबाइल के अंदर भी है आजकल, अब तो एडवांस हो चुके ना मजीद सर, तो वो नौ नौ को वो जमा कर करके एनिमेशन मूवी बनाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो कैमराज आने शुरू हुए, उसके अंदर तो वो इमेजेस इस तरह से उस रील के ऊपर प्रिंट होते थे कि वो जब VCR के हेड से गुजरती थी तो वो यूँ लगता था कि एनिमेशन हो रही है। बेसिकली वो जो पुराने दौर में आप VCR की जो किस्तें होती थी उसके अंदर जो रील होती थी उसमें क्या होता था कि उसमें भी ये इमेजेस होते थे जी, ठीक है, और हेड के ऊपर से वो 25 फ्रेम्स एक सेकंड के अंदर से गुजरते थे, तो आपको यूँ फील होता था कि फिल्म चल रही है, ठीक है। तो ये एनिमेशन है। अब हम यहाँ पर जैसे जैसे दौर चेंज होता गया वैसे वैसे एनिमेशन में जो डिस्क है इसमें इसमें भी आती है, इसमें ट्रैक्स हैं, हाँ इसमें गोल गोल ट्रैक्स हैं, ठीक है, उन ट्रैक्स पर ही रीड करता। तो अब तो और डिजिटल मीडिया आ गया जी सर, अब वो चीज़ खत्म हो गया, डिजिटल मीडिया आ गया। लेकिन उसके तो जो हमें ये वीडियो या पिक्चर वगैरह जो दिखाती है सीरी वो उसमें वो कैसे इस तरह का वो डिजिटल फंक्शन है ना। अब जैसे आप कहें आपने एक तस्वीर खींची, पहले ज़माने में आप तस्वीर खींचा करते थे, रील लेनी पड़ती थी, उसको डेवलप करवाते थे, फिर प्रिंट करवाते थे, ठीक है ना। मगर अब आप डिजिटल कैमरा लेते हैं, प्रिंट किया, कंप्यूटर पर देखना सब कुछ, तो वो कहाँ बनती है, वो सारा डिजिटल दौर आ गया। वो जो मैनुअल सिस्टम होता था ना वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद फिर एनिमेटेड मूवीज़ बनना शुरू हुए, कार्टून्स जो पहले 2D हुआ करते थे फिर 3D कार्टून्स बनना शुरू हुए, ठीक है। उसमें क्या होता था कि सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ करते थे, तो उन्होंने फर्जी तौर पर यहाँ पर ये फ्रेम्स बनाने शुरू किए, ये फ्रेम्स बना दिए, और अब इन फ्रेम्स के ऊपर हर फ्रेम के ऊपर एक इमेज पर रखें और उसके बाद इसको प्ले करें तो आपको एनिमेशन फील होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर किस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो देखें
अब ये मेरे पास ये सारे फ्रेम्स हैं, एनिमेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टाइम लाइन को समझना जरूरी है। टाइम लाइन, टाइम लाइन क्या है? टाइम लाइन वो लाइन है जिसके ऊपर आपको फ्रेम्स मिलते हैं और हेड मिलते हैं, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शंस मिलते हैं। ये आपका हेड है जिसको आप मूव कर रहे हैं फ्रेम्स के ऊपर, दीज आर ऑल फ्रेम्स, 0 से लेकर 5, 10, 15 एंड 20 एंड सो ऑन। आप इन फ्रेम को जूम करके भी देख सकते हैं, बड़ा भी करके देख, इनकी तादाद में भी इजाफा कर सकते हैं, इनको कम भी कर सकते हैं। एक ख़ास जगह पर आप इसको एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तमाम फंक्शन इसमें मौजूद है। अब इन सबसे पहली तो बात ये कि इनकी तादाद को कैसे बढ़ाया और कम किया जा सकता है, उसके लिए शॉर्टकट की इसमें पहले आपको बताता हूँ, कंट्रोल आल्ट, कंट्रोल और आल्ट। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट माउस बटन यूज़ करेंगे तो देखें लेफ़्ट साइड से आपको फ्रेम्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, करते जाएं, जितने करने आप कर लें जी, 1300 और ये 1500 मिन एक मिनट की एनिमेशन, ठीक है। कम करने हो तो इसी को ही पकड़ के बैक कर लें, ये कम हो जाएंगे। अब देखिए इतने कम के पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको ये 0 और ये 1 एक नज़र आ रही है। देखें अगर मैं इसको हेड को मूव करता हूँ तो ये अगला यहाँ पर है, सिर्फ एक ही फ्रेम है यहाँ पर, इतना आप उसको जूम कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं कंट्रोल आल्ट और लेफ्ट माउस बटन से इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब इस साइड से अगर चेंज करने हो तो कंट्रोल आल्ट और राइट माउस बटन, देखें इस साइड से माइनस में शुरू हो गए, माइनस में हो जाएंगे, हाँ माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, में चले जा सकते हैं। नहीं रिवर्स में नहीं, वो फ्रेम्स की है एडजस्टमेंट, आप जैसे भी करेंगे। उसके बाद अगर आपने पूरी टाइम लाइन को मूव करना है तो कंट्रोल आल्ट और मिडल माउस बटन, आप देखें मूव हो रही है, तादाद में इजाफा नहीं हो रहा बल्कि मूव हो रही है, पेन हो रही है, ठीक है। ये था इसके फ्रेम्स को कम ज़्यादा करने का मेथड। और यहाँ पर आपको ये फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, प्ले करेंगे तो आपका हेड चलना शुरू होगा, ठीक है, ये करेंगे तो ये गो टू स्टार्ट, गो टू एंड, ये जो प्रीवियस फ्रेम, एक एक फ्रेम चलाएगा, एक एक फ्रेम आगे करेगा, ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शन, हाँ जैसे वो नेक्स्ट वगैरह, हाँ नेक्स्ट वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर यही ऑप्शंस मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर, ये आपको टाइम कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करें, आपके पास टाइम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पर फिल्म रेट है, फिल्म रेट NTSC फिल्म पाल कस्टम, डिफरेंट किस्म के हैं, कस्टम में ये है कि आप उसके फ्रेम पर सेकेंड खुद डिफाइन करते हैं जी सर, ठीक है। NTSC में क्या है कि वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड होता है जी सर, फिल्म जो है वो उसके भी 30 हैं, और पाल जो है उसमें ये होते हैं कितने होते हैं, नहीं तो शो कर रहा है इसमें, बेसिकली जो पाल है ना वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से होता है, ठीक है। पाल ही करना है, आप पाल करेंगे, पाल फेज अल्टरनेटिव लाइंस होती हैं, ये आपने करनी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या बाहर भी ज़्यादातर ये पाल सिस्टम चलता है। NTSC भी अब आ चुकी हैं, मगर आपने इसको फिलहाल फेज अल्टरनेटिव लाइंस, ये अगर इसकी डिटेल में जाऊँ तो ये बहुत बड़ा हो जाता काम, मगर जस्ट आपने इसको पाल पे करना है और नेट से जाके आप इसको कर भी सकते हैं अगर स्टडी करना चाहें। टाइम डिस्प्ले इस वक्त फ्रेम्स के साथ है, देखें यहाँ पर आपको 57 नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको SMPET करता हूँ तो ये फिर आपको इसके सेकंड्स और इसके मिनट्स दिखाएगा, शो करेगा जी, ठीक है, सेकंड मिनट और आगे दिन क्या है। इसके बाद ये फ्रेम्स टिक्स और ये मिनट सेकंड रोटेशन, तो आपने फ्रेम्स ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद प्लेबैक क्या होता है,
देर कर दिया आपने सर, वो जगह नहीं मिलती वहाँ से। आप इधर आ गए यहाँ पर, प्लेबैक क्या होता है? प्लेबैक में आपको रियल टाइम आपने चेक किया हुआ है। रियल टाइम का मतलब ये है कि जो एनिमेशन आपको वैसे नज़र आएगी वो यहाँ पर आपको नहीं आएगी। उसके बाद एक्टिव व्यू पोर्ट ओनली, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो व्यू पोर्ट एक्टिव होगा उसी की एनिमेशन दिखाएगा। लूप, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो लूप के मुराद ये कि एक दफ़ा एनिमेट हो गया तो फिर दोबारा वापस पीछे जाएगा, ठीक है। तो रियल टाइम का क्या था? रियल टाइम से मुराद ये कि अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो कंप्यूटर पर अपनी स्पीड से चलेगा, ठीक है। अगर मैं रियल टाइम कर देता हूँ तो जो मैंने सिस्टम सेट किया है, पाल सेट किया है, तो वो पाल के मुताबिक चलेगा। एनटीएसी सेट किया है तो एनटीएसी के मुताबिक चलेगा, अगर तो रियल टाइम चेक होगा। अगर रियल टाइम अनचेक होगा तो ये अपनी मर्जी से चलेगा। फिर ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। हाँ ये नहीं नहीं ऊपर वाले ऑप्शन के मुताबिक ही चलेगा ना। ये इसकी स्पीड है, ये इसकी हाफ स्पीड है, कम स्पीड है, और ये इसके ज़्यादा स्पीड है। तो ये वन पे ही ठीक है। ये इसका स्टार्ट टाइम है, ये इसका लेंथ है कि कितनी इसमें, अगर फर्ज के मैं 100 करता हूँ तो इसकी 100 लेंथ होगी और 101 फ्रेम्स होंगे, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और ज़ीरो भी एक फ्रेम है। ज़ीरो से लेकर 100 तक 101 फ्रेम, तो यहाँ पर ये 101 फ्रेम्स काउंट करेगा और एंड टाइम इसका 100 होगा, ठीक है। करंट टाइम ये जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर आपका हेड होगा, क्लियर। ओके, ये आपकी सेटिंग थी टाइम कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ से आपने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये तीन बटन्स नज़र आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सारा एनिमेशन का दारोमदार इसी पर ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सिंपल एनिमेशन बताता हूँ जो कि थोड़ा सा लेंथी है, पहले जिस तरह से हुआ करती थी। एक स्फीयर लेता हूँ मैं, एक बॉल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें एनिमेशन करना चाह रहा हूँ। एनिमेशन करने के लिए मुझे इसकी जो ये टाइमलाइन है ना, इसको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, सेट की पे क्लिक करके ये की प्रेस कर दी। जैसे मैं की प्रेस करूँगा यहाँ पर आपको एक निशान नज़र आ जाएगा। अब मैं मूव करता हूँ इसको 25 पर लेकर जाता हूँ और फिर इसको यहाँ तक मूव करता हूँ और साथ इस पर सेट की प्रेस कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि इसने 0 से लेकर 25 तक, 0 पर इसने इस क्या कहते हैं इस वाली लोकेशन को जहन में रखा जी, और 25 पर उसने इस वाली सिचुएशन को जहन में रखा, मतलब सेव कर लिया। अब जब मैं मूव करूँगा इसको तो इसके बीच में जितने भी फ्रेम्स हैं उसके अंदर वो ऑटो जनरेट कर देगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मीन उसने अपनी मर्जी, अपने मतलब वो इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसने बीच के फ्रेम्स की एनिमेशन खुद कर दी। पहले वो बेचारे आर्टिस्ट एक एक फ्रेम बना बना के थक जाते थे, अब आर्टिस्ट ने क्या, अब यहाँ पर कंप्यूटर एनिमेटर ने क्या किया, एक फ्रेम पर उस ऑब्जेक्ट को रखा, आगे की उसको ले गई और उसकी एनिमेशन हो गई, ठीक है जी सर। तो अब अगर इसको मैं फ्रेम बाय फ्रेम मूव करता हूँ तो आप देखें, अब ऑब्जेक्ट यहाँ है जी सर, फिर मूव करता हूँ ऑब्जेक्ट आगे है। तो इसका मतलब है कि हर फ्रेम पर, हर फ्रेम में उसकी जो पोजीशन है वो कॉपी हुई है जी सर, ठीक है। और जब उसको मैं 25 फ्रेम्स के पर सेकंड के हिसाब से चलाता हूँ तो मुझे एनिमेशन फील होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 50 पर आकर मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पर और साथ ही इस की को प्रेस कर देता हूँ, और फिर दोबारा 75 पर आकर मैं उसको यूँ कर देता हूँ और की प्रेस कर देता हूँ, 100 पर आकर वापस इसको यहाँ कर देता हूँ और की प्रेस कर देता हूँ। अब अगर मैं प्लेबैक करता हूँ इसको, देखें ये एनिमेट हो रहा है, क्योंकि लूप था इसलिए ये वापस जाकर स्टार्ट हो गया। तो आपको ये टोटली एनिमेशन नज़र आ रही है, वो ऑब्जेक्ट यूँ मूव कर रहा है, अंडरस्टैंड जी सर। ओके, बेसिकली ये फंक्शंस होते हैं और ये फंक्शंस जो हैं ये भी यूज़फुल हैं उस सूरत में जब आप एनिमेशन कर चुके होते हैं और उसको एडिट कर रहे होते हैं तो आप सेट की ले जाते हैं। मैं इनकी कीज़ को डिलीट करता हूँ, इसके एनिमेशन को डिलीट करना है तो इन सारे यूं करके सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें, सारी एनिमेशन इसकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ओके,
अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो भी करूँ खुद ब खुद उसको वो अपने माइंड में रखता रहे, तो उसके लिए मैं ऑटो की ऑन कर लेता हूँ। जी ठीक है, ऑटो किसे क्या है, फर्स्ट इसने सिचुएशन अपने जहन में रख दी। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ 25 पर, तो मैं इसको मूव करता हूँ 25 की तरफ। पहले मैंने क्या किया, टाइमलाइन को चेंज किया, हेड को चेंज किया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को मूव किया। जी सर, तो देखिए मुझे की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं हुई, वो वहाँ पर खुद ब खुद लग गई है। अब मैं 50 पे करता हूँ, यहाँ पर मूव करता हूँ। ठीक है, बटन लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो फिर ये सेट हो जाएगा। हाँ, खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ठीक, अब ऑटो पे होगा ना, ऑटो है ना। देखें, अब अगर मैं इसकी एनिमेशन करता हूँ तो ये भी सेम वैसे ही है, मगर ये कि इस पर मुझे मेहनत कम करना पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और भी एलिमेंट है इसका, मैं नहीं बता पाऊँगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब देखें, फ़र्ज़ करें ये दो एनिमेशन ठीक है यहाँ पे। अब मैं ऑटो की को ऑन करता हूँ, सेट की को ऑन करता हूँ, ऑटो की ऑफ करके सेट की ऑन की, और यहाँ 50 में आकर इसको मैं यहाँ मूव करता हूँ, और इस की को प्रेस करने से वहाँ पर एनिमेशन आएगी। ओके, अब आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और देखें कि यहाँ पर रंग बिरंगा और यहाँ पर एक कलर है। जी सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेड कलर जो है वो जो आपकी ट्रांसलेशन है ना उसको बाधित करती है। जी सर, और जो ग्रीन कलर है वो जी रेड RGB देख लें। जी सर, इसी तरह से इन्होंने इसी तरतीब को रखा है XYZ, और इसी तरतीब को इन्होंने रखा है कि ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेटिंग। जी सर, ट्रांसलेशन रेड हो गई, स्केलिंग ग्रीन हो गई, और रोटेटिंग ब्लू हो गई। तो इस तरह से इसने क्या किया है कि सब पे की लगा दी है, और इसने सिर्फ उस पे की लगाई है जहाँ पर उसको चेंजिंग नज़र आई है। तो इसलिए रिकमेंडेड इज़ दैट कि आप सिर्फ जो है ऑटो की ऑन करने के बाद उसको एनिमेट करें, ताकि जहाँ पर चेंजिंग हो रही है वो खुद ब खुद उस चीज़ को पिक करे, बजाय इसके कि वो बाकी सारियों को भी उसको की लिखा दे, जिससे आपका ऑब्जेक्ट या आप जो रेंडरिंग है वो हैवी हो जाए। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या चीज़? सेट की के बाद मैंने ऑटो की क्या, मैंने कहा मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, ऑटो की को मैं ख़त्म करके सेट की ऑन कर देता हूँ। सेट की में होता है कि मुझे की लगानी पड़ती है, ऑटो की में होता है मुझे की नहीं लगानी पड़ती, जस्ट ऑटो की से मैंने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया तो वो की खुद ब खुद लग जाएगी। और की किस चीज़ की लगेगी? जो फंक्शन आपने उस पर किया होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन का फंक्शन किया ना, जैसे मूव किया, इसी के साथ अगर मैं इसकी स्केलिंग का फंक्शन कर देता हूँ, तो अब आप इसको देखें कि इसके अंदर एक ब्लू भी ऐड होगा, नज़र आ रहा है ना ब्लू, यहाँ शुरू में ब्लू आ गया। इसका मतलब ये कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्केलिंग को भी एनिमेशन दे दी है। अब मैं शुरू में करता हूँ तो ये छोटा है, जैसे जैसे आगे मूव करता हूँ वो बड़ा भी होता जाता है, और मूव भी होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं इसकी स्केलिंग किया तो स्टार्ट में भी हो जाएगा। हाँ, वहाँ तक इस तरह से कर देते हैं, तो ये यहाँ पर यूँ है और फिर ये यूँ हो जाएगा। अब यहाँ पर 75 में क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ यहाँ, और इसको रोटेट भी करना शुरू कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो क्या होगा, साथ साथ रोटेट भी हो रहा है और एनिमेट भी हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ एनिमेशन। और अगर इसके साथ मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, कोई बात नहीं, हर पार नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब देखें जी, ऑटो की ऑन है, मैंने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसकी जो फ्रेम्स हैं उनको मूव करना है।
ये फंक्शन ऐड कर, 50 पर न्यू कर देता हूँ, 75 पर, अच्छा ये मैं 75-50 पे लगा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप भी इन्हीं पर लगाएं, इनके बीच में से भी कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं। वैसे अगर ये ज़्यादा रखेंगे टाइम इसमें रेम का तो वो ज़्यादा स्मूथ होगा या उसमें ओके अब आप देखें जी। अब देखें मैंने दो ऑब्जेक्ट को एनिमेशन ले लिया, इसमें देखें एक ऑब्जेक्ट अपने तौर पे जिस पे जो एनिमेशन लगाई है वो अपने तौर पे चल जी सर, जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाई है वो अपने तौर पे चल रही है, तीसरी अपने तौर पे चल जाएगी, चौथी अपनी इस तरह से सो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जिसको मर्ज़ी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ मैं अपनी कुछ भी कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, आप अपने तौर पर बैठे हुए कुछ कह रहे हैं, ये अपने तौर पर बैठे हुए कुछ कह रहे हैं, हर कोई अपने अपने तौर पर आज़ाद है, वो अपने तौर पर कर रहा है जी सर, ठीक है। तो इसमें भी ऐसी है कि आप एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एनिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एनिमेशन की ना दो टाइप्स आ जाती हैं, एक तो वो टाइप जो आप कर रहे हैं जिसे ऑब्जेक्ट एनिमेशन कहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप होती है व्यू एनिमेशन की जिसे हम कैमरा एनिमेशन कहते हैं, कि ऑब्जेक्ट अपने तौर पर भी मूव करे और सराउंडिंग भी अपने तौर पर मूव करे, तो फिर डबल एनिमेशन हो जाती है जी सर। तो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट, अभी इसी एनिमेशन को हमने करना है जी, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत अभी एक आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा और जो फिर आपने करके लानी है। डिलीट कर दी हर चीज़, अच्छा इसमें कोशिश भी है, एनिमेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। ये तो हर एनिमेशन को आप खुद कर रहे हैं ना, खुद से दे रहे हैं जी सर। बॉल अगर आप बनाते हैं, आप चाहते हैं ऊपर से बॉल गिरे ऊपर बाउंस करे, फिर गिरे फिर बाउंस करे, जिस तरह आप बॉल पकड़ के फेंकते हैं जो रियल लाइफ में होता है, आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है जी सर। एक एनिमेशन होती है डायनामिक एनिमेशन, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टीज दे देनी होती हैं, कंप्यूटर खुद उस पर काम करता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, कुछ एनिमेशंस ऐसी होती हैं जो किसी को फॉलो कर रही होती हैं, वो एक्सप्रेशंस थ्रू एक्सप्रेशंस होती हैं, थ्रू स्क्रिप्टिंग होती हैं, लाइक गेम्स, गेम में आप बटन प्रेस करते हैं बंदा मुक्का मारता है, आप दूसरा बटन प्रेस करते हैं वो टांग उठा देना होता है, तो वो क्या है, वो भी एनिमेशन ही है ना, मगर उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू स्क्रिप्टिंग, थ्रू एक्सप्रेशंस, ठीक है, थ्रू लैंग्वेजेस, तो उसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो एक्सप्रेशंस भी एनिमेशन में आते हैं, ठीक है। मगर चूँकि ये आपका बेसिक कोर्स है, तो इसके अंदर जस्ट आपको जो मतलब आप अपनी तरफ से एनिमेशन करेंगे उसी का ही इंट्रोडक्शन और उसी का ही आपका कोर्स होगा। तो इसमें अब हम जो मतलब नेक्स्ट कर रहे हैं, मैं एक बॉल बनाऊंगा और वो बॉल उस पर मूव होगी और वो टिप करती हुई आगे की तरफ जाएगी, उसके लिए मैं पहले एक पेन ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक स्फीयर करते हैं, और स्फीयर में क्या करते हैं, बेस टू पिवट, ताकि वो पिवट के ऊपर। अच्छा मज़े की बात, यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब अगर फ़र्ज़ करें, ये सब वो है, मैं चाहता हूँ कि इसी सिलेंडर के इस जगह पर मैं एक और सिलेंडर बनाऊँ इसके ऊपर बिल्कुल, तो वो कैसे बनाऊँगा, वैसे बहुत पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है कि एक्यूरेटली उस पर लाएँ, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन होती है, फर्स्ट क्या आपने सिलेंडर बनाना है ना, तो ये ऑटो ग्रिड की ऑप्शन है जी सर। ऑटो ग्रिड क्या काम करती है कि जिस जगह पर लाएंगे वो उसको अपनी ग्रिड कंसीडर कर लेगा, लाइक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ
तो यहाँ पर ऑटो एक ग्रिड बना देगा टेम्परेरली, और वहाँ पर वो चीज़ बना देगा। ऊपर बनानी है, ऊपर बना देगा, इस साइड में बनानी है, तो वो उसकी ग्रिड खुद ही बना देगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट उस पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रा होगा। जी सर, ठीक है, सब में हो सकता है, सब में हो सकता है, बिल्कुल। आप इस पर सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं तो ऑटो ग्रिड आपने ऑन की है, ये वाले कोई भी चीज़। ये देखें, तो ये एक फंक्शन था ऑटो ग्रिड का, ये मैंने आपको बता दिया, ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है। तो बहरहाल हम बना रहे थे एनिमेशन, इसको दे रहे थे इस बॉल को, ये ऊपर से गिरेगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी और यूँ आएगी। उसके लिए मैं लेफ़्ट व्यू में आ जाता हूँ ताकि मैं इसको यूँ एनिमेशन दे सकूँ। ऑटो की ऑन करें, फ्रेम नेक्स्ट पे लेकर जाएं और उसको मूव करके नीचे लाएं, नीचे समझा दिए कि इसकी इस ग्रिड तक लाएं, क्योंकि प्लेन इस पे पड़ा हुआ है। जी सर, अब 40 पे आकर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। हाँ हाँ, चेंजिंग के वक्त बेशक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है ना, चेंज कर रहा हूँ, मगर सारी बात चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को चेंज तो करना पड़ेगा ना। मुझे एनिमेशन के की फ्रेम्स बढ़ा रहा हूँ, 200 कर देता हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से मैं उसकी जमीन निकालूँ। ओके, अब अगर प्ले करें, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ गौर तलब है, वो ये कि ऑब्जेक्ट यूँ आके यूँ निकल, ठीक है, मीन इसके अंदर स्मूथनेस है, ऐसी है ना। इसकी स्मूथनेस को कैसे दूर किया जाए, कीज को सिलेक्ट करके यहाँ पर ये मेथड है, इसको आप कर दें लीनियर, लीनियर मतलब सेकंड वाला। अच्छा, बेसिकली आपको दोबारा इस पर एनिमेशन करनी पड़ेगी, ये लीनियर है ना, और ऑटो की ऑन, लीनियर में क्या हुआ कि वो बिल्कुल जैसे टक्कर लगी वैसे, जी सर, फिर ऊपर लगे नीचे, ठीक है, पहले क्या होता यूँ होगा,
आगे रेस्ट करते हैं। ओके, इसी तरह से मैं यूँ देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसको मैंने रिवॉल्व करना है, ठीक है। रिवॉल्व करने के लिए मैं ऑटो की ऑन कर देता हूँ और कहता हूँ कि 100 फ्रेम्स 100 रखने हैं। तो यहाँ पर आकर मैं इसको 100 करके एंटर करूँगा तो वो खुद ब खुद 100 हो जाएंगे। हाँ, ऑटो की ऑन की हुई है। और इसको मैंने अब एनिमेशन देनी है तो उसके लिए मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ, किस पर, जेड पर, क्योंकि ये जेड पर रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जेड पे मैं इसको वैल्यू देता हूँ, ऑटो की ऑन है। यहाँ पर मैं कहता हूँ 1200 फर्ज का, ये 60 डिग्री होते हैं एक चक्कर के, मल्टीप्लाई कर 6 चक्कर 2160। मैं इसको 2160 फ्रेम की एनिमेशन देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक की लग गई, मगर की कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की। और ग्रीन कलर क्या शो करता है कि इसकी रोटेशन पे की लगी है, मगर यहाँ पर ये शो नहीं हो रही। उसके लिए यहाँ से एंगल्स ने ऑन कर लिया 2160। तो ये आपने की ले गई उसकी रोटेशन पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसी तरह से कार का पहिया चलाना हो, पंखा चलाना हो, इस टाइप की जो राउंड में होती है ना एनिमेशन, उसको आप इस तरह से करें। क्लियर। अब नेक्स्ट इसकी जो एनिमेशन है वो स्केलिंग एनिमेशन है। स्केलिंग में क्या है, ऑटो की ऑन करके आप इसकी स्केलिंग कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, ये यूं ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसके साथ साथ आप ये कहते हैं कि इस तरह से फील हो कि ये यहाँ से यूँ आ रहा है और बड़ा हो रहा है। उसके लिए इसको मूव करें, पीछे ले जाएं, देखिए मूव भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अब आप चाहते हैं यहाँ पर ये रोटेट करना शुरू कर दे 100 पे, ये 360 डिग्री मूव करे, मीन एक चक्कर लगा ले। तो अगर आप प्ले करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो शुरू से, सॉरी,
मैंने ऑटो क्यों ऑन नहीं किए थे? अब वो शुरू से ही देखें रोटेट होता हुआ आ रहा है, ठीक है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि वो शुरू से सीधा है और यहाँ आके रोटेट हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वही सिंपल थी। अब यहाँ पर मैंने एक काम करना है कि इस जगह पर 40 था ना, 40 से आगे यहाँ पर एक की लगा देंगे। की लगाने का मकसद ये होगा कि अब आप जो फंक्शन करेंगे तो वो नए सिरे से उसको करेगा। यहाँ पर मैं इसको 360 डिग्री कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो वहाँ से सीधा आएगा और जहाँ से की लगी है फिर वही काम हुआ, ठीक है। ऑटो की ऑन कर दें और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से न्यू आया, और जरूरी नहीं, डिपेंड करते हैं। तब ये इसमें कई टाइप के एनिमेशन आप टेलीविजन पे देखते हैं, जियो एक्सप्रेस न्यूज वगैरह जितने भी हैं चैनल, उनमें एक एनिमेशन हो रही होती है, बॉक्सेस आते हैं या कुछ भी हो रहा होता है, वो इस टाइप के एनिमेशन यहाँ से देखते हैं। तो इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, जैसे सर वो मूवी भी जैसे शादी वगैरह की बुलाते हैं तो जब टाइटल बुलाते हैं तो वो भी इसी तरह होती है, अब देखें ना, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, कन्वर्ट करने के बाद इसके इस फेस पर अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इमेज एक लगा देता हूँ। आपकी तस्वीर पड़ी है क्या? चलो खैर, बैकग्राउंड लगा देता हूँ मैं, ये वाला लगा देता हूँ, शो भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर शो भी हो गया। आपने इसको ऑब्जेक्ट को वॉलपेपर लगाया, जब आप प्ले करेंगे तो वो वॉलपेपर इसके ऊपर ही आएगा। जी सर, इसके चारों तरफ लगा के फिर चारों तरफ लगाना है। ठीक है जी, अच्छा इसी तरह से एक और काम भी मैं करता हूँ, एक स्किन यहाँ बनाता हूँ और ये मटेरियल इस पर अप्लाई करता हूँ, इसके स्क्रीन पे ये कर देता हूँ और इसके ऊपर भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज ऐसे चले जैसे फ्रेम चलते हैं, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं,
ऑटो क्यों ऑन करते हैं? टाइमलाइन को वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पर आपने स्टार्ट किया और एंड तक आपने एनिमेशन देनी है इसके ऑफसेट पे। फर्स्ट ग्रेन 50 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेड बॉक्स नज़र आ रहा है, इट मींस के ऊपर एनिमेशन हुई हुई है। ओके, बैक। ये सर है, चलो कम करते हैं। हाँ, जो मर्जी है। नहीं नहीं, वो इसमें नहीं होगा, वो और सॉफ्टवेयर है। अब ये एक और भी आप काम कर सकते हैं, इसके ऊपर स्फीयर बनाते हैं यहाँ पर। एम प्रेस करके इसमें मटेरियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑन क्या करना है, सिर्फ ऑटो की, ठीक है। कलर दे देता हूँ उसको मैं ब्लू, यहाँ से चेंज करता हूँ उसको 20 पे। अब कलर दे देता हूँ उसको मैं ग्रीन, ठीक है, 40 पे। येलो 60 पे, रेड 80 पे, तो अब अगर आप उसको प्ले करेंगे ना, तो देखें उसके साथ वो कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। वो डिफरेंट नहीं आ सकती, एक ही। अब इसी तरह से आप जितनी भी चीज़ें उन तमाम की प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। एक और मैं काम कर देता हूँ, काफ़ी है। सारे सोच रहे थे कि कौन बोलेबल है। चलो काफ़ी, और ये लेक्चर में सर।